हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में बात करें, अगर आपको कैमरा साउंड ऑफ करना है, कोई भी मोबाइल रहे, ओप्पो, सैमसंग, वीवो, रेडमी, रियलमी, कोई भी अगर मोबाइल है तो उसका साउंड बहुत आसान तरीके से हम बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे अगर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटे का निशान दबा दिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें कैमरा ओपन करते हैं, और कैमरा ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा करना है कि जो आपको सेटिंग पे जो दिखाई देंगे, और सेटिंग पे जाके क्लिक करना है, और सेटिंग पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपका कैमरा वाली सेटिंग पे आप देखेंगे, अगर कहीं अगर इस तरह साउंड का अगर सिस्टम आपका कोई भी, देखिए हम सैमसंग का बात ही नहीं, बल्कि जितने आपका कोई भी मोबाइल है तो उसमें आप देख सकते हैं, अगर वहाँ कैमरा साउंड का ऑप्शन दिया गया है तो उसे आसान तरीके से बंद कर लें, अन्यथा आपका कोई भी ऐसे, जैसे अधिकतर ऐसा जैसे सैमसंग है तो इसमें आप देखते हैं, और इसमें है कि नहीं है तो ये भी पता करेंगे, और आपका कोई भी मोबाइल है तो इस प्रक्रिया जो बताएंगे उसे बहुत आसान तरीके से कैमरा साउंड को ऑफ कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कैमरा सेटिंग पे चल जाना है, कोई भी मोबाइल रहे, ठीक ना, आपको सैमसंग, वीवो कोई भी मोबाइल है, उसके बाद कैमरा सेटिंग पे जाने के बाद वहाँ पे देख लें कि कहीं आपका कैमरा सेटिंग का ऑप्शन साउंड, कैमरा साउंड सेटिंग में लिखा होगा सिस्टम, तो उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन हैं वहाँ पे देखिए लिखा हुआ तो नहीं है इसमें, उसके बाद देखिए और भी देखिए कहीं इधर इस तरह कैमरा साउंड का सिस्टम इधर कहीं है ही नहीं कैमरा सेटिंग में। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है कि नोटिफिकेशन सेटिंग पे चलते हैं, उसके बाद देखिए साउंड का जो सेटिंग है, और उसके बाद सेटिंग पे चलेंगे, और सेटिंग पे जाने के बाद देखिए हम सेटिंग पे चलते हैं, और सेटिंग पे फिर जाके साउंड जो सेटिंग है, साउंड सेटिंग में ही टोटल सेटिंग मिल जाएंगे, उसका देखते हैं सेव सेटिंग में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो से जो सिस्टम साउंड सेटिंग है यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे टच साउंड है, स्क्रीन लॉक साउंड है, चार्जिंग साउंड है, डायनल कीपैड टोन है, कीबोर्ड साउंड है। देखिए यहाँ पे कैमरा का यहाँ तो कहीं नामो निशान ही नहीं दिया गया था, तो यहाँ फिर आपको बैक कर देते हैं क्योंकि इसमें भी तो नहीं है, ठीक ना। उसके बाद और देखते हैं कहीं और क्या है क्या, तो यहाँ भी देखते हो कैमरा साउंड का सिस्टम यहाँ पर दिया गया नहीं है। उसके बाद आप नोटिफिकेशन पर चलते हैं, नोटिफिकेशन पे कैमरा सेटिंग देखते हैं, तो यहाँ पे और ऑल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कैमरा सेटिंग। तो कैमरा सेटिंग जो लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे इस तरह, और कैमरा का जो ऑप्शन दिया गया है, कैमरा को ओपन करेंगे, तो कैमरा अभी खोज रहे हैं, ठीक ना। तो कैमरा देखिए यहाँ भी कैमरा का सेटिंग नहीं दिया गया है, ठीक ना। तो ऑल पे क्लिक करते हैं, और जैसे कैमरा निकालते हैं तो देखिए कैमरा यहाँ लिखा हुआ है अलाउड, तो देखिए यहाँ पर तो ऑटोमेटिक कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन देखिए अलाउड है, ये तो कोई सेटिंग ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या करना है, बैक करते हैं, और बैक करने के बाद देखिए कैमरा अगर जैसे ओपन हो जाता है, देखिए ये कैमरा ओपन हुआ, और कैमरा ओपन होने के बाद आपको करना क्या है कि देखिए आपका जो वॉल्यूम माइनस जो की है ना, उसको इस तरह दबाते दबाते इस तरह है, देखिए यहाँ पे फोटो खींचा रहा है, ठीक, तभी आवाज़ देखिए नहीं कर रहा है। तो आपको यह करना है कि जो इसको बैक करने के बाद इसे बैक कर लें, और जो सिस्टम इस तरह वॉल्यूम रिंग जो है माइनस करके, रिंगटोन जो है इसको वाइब्रेशन मोड में कर देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इसे मेन सेटिंग लाने के बाद देखो माइनस जो वॉल्यूम माइनस के है इस तरह दबा के पूरा एकदम जीरो कर देंगे, तो ये देखिए इस तरह हो गया। उसके बाद देखिए वो फोटो खींचेंगे तो आवाज़ ये नहीं करेगा, ठीक ना, जैसे ये खींचेंगे तो आवाज़ नहीं करेगा। तो यही दूसरा कोई तो उपाय इस नंबर दिख नहीं रहा है, और चैनल पर अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटे का निशान दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।